हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इससे पहले वीडियो में हमने एडिशन सीखा, लेकिन विदाउट डेसिमल्स वाले नंबर्स में। हम एडिशन सीखेंगे डेसिमल्स वाले नंबर्स का। इससे पहले का जो हमारा वीडियो कवरअप था, वो हमारा पूरा कवरअप हो गया था। उसमें जो भी सेम नंबर दे रखा था वो हम कॉमन ले लेते थे। तो आज की वीडियो में भी कुछ उसी टाइप का है। जैसे कि अगर आपको ये नंबर दे रखा हो 0.5 + 0.55 + 0.55, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप सीधे से 5 कॉमन ले लीजिए। जब आप 5 कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 0.1। फिर आपके पास कितना बचा, 0.11। फिर आपके पास कितना बचेगा, 0.111। उसमें जब हम प्लस करते थे उसी सीधे काउंटिंग लिख देते थे 1 2 3 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 5। इसमें भी आपको गिनती लिखनी है, लेकिन उल्टा करके। तो आप इसमें देखिए आपकी गिनती कहाँ तक बनेंगी, 0. कितने नंबर्स हैं, 1 कितने हैं मैक्सिमम, 3, तो 0.321। अब जब आप 0.321 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो आपको कितना मिल जाएगा, 1.605। कैसे, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 1 कैरी, 5 × 3 = 15 और 1 = 16, 16 का 1 कैरी, 5 × 0 और 1 का 1, तो आपके पास कितना आ गया, 1.605। तो आपने इस टाइप के भी नंबर्स का एडिशन तुरंत निकाल लिया, आपका आंसर आ गया 1.605, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसी टाइप का जो हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, हम उसको देखते हैं। देखिए आपको कितना दे रखा है, 0.6 + 0.66 + 0.666। तो आप इसमें कॉमन क्या लेंगे, जब आप इसमें कॉमन लेंगे तो आप 6 कॉमन ले लीजिए, तो आपका अंदर क्या बचा, 0.1 + 0.11 + 0.111। अब जब आप तीनों को प्लस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 0.321। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.926। अब वैसे डायरेक्ट इस स्टेप पे आना चाहेंगे तो इस स्टेप के बाद सीधे इस स्टेप पे आएंगे और सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आपका आंसर फटाफट मिल जाएगा। जी टाइप का 7 वाला नंबर देख लीजिए आप। तो आप देखिए 7 कॉमन लेंगे, जब 7 कॉमन लेंगे तो अंदर कितने हैं मैक्सिमम, 4 टाइम्स है, तो अंदर कितना हो जाएगा, 0.4321। मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 और 2, 21 और 1 = 22, 7 × 4 = 28 और 2 = 30, तो 3.0247। देखिए कितना जल्दी आपका आंसर आ गया। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी मिस करा पहला वाला वीडियो, तो आप उसको दोबारा से देखिए, जिससे ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक लास्ट ट्रिक देख लेते हैं 9 वाले नंबर्स की। अब आप इसमें देखिए कितने 9s हैं मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 9 है, तो आप 9 कॉमन लेंगे तो अंदर गिनती कितनी हो जाएगी, 0.54321। और जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27 और 1 = 28, 9 × 4 = 36 और 2, 38, 9 × 5 = 45, 48 और 5 नंबर आउट पॉइंट, तो आपका आंसर कितना हो गया, 4.4 × 8 और 9, 4.4 × 8 और 9। कितना जल्दी आपका आंसर आ गया। आप वैसे इसको प्लस करेंगे तो कितना सारा हमें समय लगने वाला है। आई होप यहाँ तक ये आपके जो भी 4-5 हमने एग्जाम्पल दिए वो अच्छे से कवर अप आपके हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे इजीली पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, एंड वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू।